फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। जैसा है कि स्क्रीन पे टाइटल आ रहा होगा, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, सीखेंगे कि कैसे आप यूट्यूब के किसी वीडियो को अपने वेब पेज पे प्ले कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, मेरा एक चैनल है, मैं उस चैनल को पहले यहां खोल लेता हूं। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया साइबोटेक कैंपस नवादा। यहाँ पे मैंने सर्च बॉक्स में लिखा, चूंकि मैं अपने चैनल का ही वीडियो आप लोगों को प्ले करके दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा साइबोटेक कैंपस नवादा। इंटर मैंने प्रेस किया। ये देखिए आपके सामने बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे आ चुकी है। अभी किसी भी एक वीडियो को आप क्लिक करोगे तो वो वीडियो जो है आपके सामने प्ले होने लगेगी। अभी बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे, मैं इसे पॉज कर दे रहा हूं, ठीक है। अभी मैंने वीएस कोड खोल के रखा है। आप अगर वीएस कोड में कोड नहीं लिखते एचटीएमएल का, तो आप नोटपैड में लिखते होंगे या जिस किसी भी एडिटर में आप लिखते होंगे, वहां पे आपको पहले से ये सारा कोड लिख लेना है जो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, जैसे एचटीएमएल हो गया, हेड हो गया, ये सब टाइटल का अपना इस्तेमाल कर लेना है, सारे टैग्स का यूज कर लेना है, टाइटल वगैरह दे देना है। अब आप चाहते ऐसा हो कि मैं यहां पे कोई कोड लिखूं जिससे एक पर्टिकुलर वीडियो मेरे वेब पेज पे प्ले होने लगे। अभी देखिए जो मेरा वेब पेज है, ये मेरा वेब पेज है, यहां पे कोई भी वीडियो प्ले नहीं हो रहा, सिर्फ टाइटल आ रहा है, हेडिंग आ रहा है, हाउ टू प्ले यूट्यूब वीडियो इन अ वेब पेज। तो मैं क्या करता हूं कि जिस वीडियो को मुझे प्ले करना है वो मैंने यहां ओपन किया हुआ है। यहां पे मुझे शेयर बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही शेयर पे क्लिक करते हैं, देखिए यहां एम्बेड का ऑप्शन आता है, इस पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए यूट्यूब ने खुद से ये कोड दे दिया, आपको इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आप इसे क्लोज कर दें और उसके बाद आप जो भी एडिटर यूज कर रहे हैं वहां जाएं और इस पर्टिकुलर कोड को आप पेस्ट कर लें, जिसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल के साथ वी है। ये आपका कोड है, ये जो मैं सेलेक्ट करके आप लोगों को दिखा रहा हूं। आई फ्रेम टैग का इसमें यूज हुआ है। विड्थ जो है वो 560 पिक्सल है और हाइट जो है वो 315 पिक्सल है। आप इसे ज्यादा या कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। फ्रेम का बॉर्डर जीरो है। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपने कर ली। कुछ आपको करना नहीं, आपने एक्चुअली कुछ लिखा नहीं, बस सिर्फ कॉपी पेस्ट किया। और अब आप ब्राउजर पे आते हो, देखो यहां पे ये यहां पे आपका इम्बेड हो चुका है यूट्यूब वीडियो, लेकिन ये ऑटो प्ले नहीं हुआ। आपको यहां क्लिक करना होगा प्ले बटन पे। तो ये देखिए आपका जो है, जो वीडियो है वो प्ले होने लगा। यहाँ पे आप साउंड वगैरह बढ़ा घटा सकते हो, सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। आप यहाँ से क्वालिटी वगैरह की सेटिंग भी कर सकते हो, आप चाहो तो फुल स्क्रीन वगैरह भी यहाँ से इजिली कर सकते हो। मतलब ऐसा लगेगा कि आप यूट्यूब यूज कर रहे हो। ये तो हुई एक बात। अगर मैं ये चाहता हूं कि ये जो अभी मैं इसे जब ओपन करता हूं, मैंने पेज को रिफ्रेश किया, तो देखिए ये बाय डिफॉल्ट ऑटो प्ले नहीं होता। आपको चाहिए कि जैसे ही ये वेब पेज खुले तो यहां जो वीडियो मैंने इम्बेड किया है वो खुद से प्ले होने लगे, प्लस साउंड जो है वो म्यूट हो जाए। अगर आप ऐसा चाहते हो तो बहुत छोटा सा एक कोड है, ऑटो प्ले इक्वल्स वन, और म्यूट जो है वो वन करना है। लेकिन ध्यान ये देना है कि म्यूट जो प्रॉपर्टी जो है, जिसका वैल्यू आप वन कर रहे हो, वो ऑटो प्ले के बाद होना चाहिए। तो आपको करना ये है कि आपको वापस से जाना है अपने एडिटर में, और जो YouTube का वीडियो है SRC के अंदर, वहां पे आपको जाके ये कोड प्लेस कर देना है, क्वेश्चन मार्क ऑटो प्ले इक्वल्स वन एंड म्यूट इक्वल्स वन। ऐसा करने के बाद आप वापस से आओ अपने वीडियो में, रिफ्रेश करो। अभी देखो ये रिफ्रेश किया, ये खुद से प्ले होने लगा। लेकिन देखिए यहाँ पे सामने, यहाँ पे ये म्यूटेड है। इससे पहले जब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा था, एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो इससे पहले जब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा था तो ये खुद से प्ले नहीं होता था, प्लस ये म्यूट नहीं होता था, अनम्यूटेड रहता था। लेकिन अभी चूंकि मैंने यहां पे कोड लिखा, एक सिंपल सा ये दो वर्ड का कोड है, ऑटो प्ले इक्वल्स वन एंड म्यूट इक्वल्स वन, ऐसा मैंने कर दिया। तो अब जो आपका यहां पे जो वीडियो है वो पेज के रिफ्रेश करने के बाद खुद से प्ले होने लगा, मतलब ऑटो प्ले एक्टिव हो गया है, प्लस म्यूट भी इसका एक्टिव है, वन मींस एक्टिव है। और ये अब जो है, आपको अगर साउंड देख सुनना है तो आप इसको क्लिक करें, अनम्यूट कर लें, उसके बाद आप इसको सुन भी सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने आज के इस वीडियो में सीखा आई फ्रेम टैग का इस्तेमाल
YouTube के किसी भी वीडियो को अपने वेब पेज पे प्ले करने के लिए, यहाँ पे अगर मैं सपोज इसका विड्थ बढ़ा दूँ, इसका विड्थ मैंने कर दिया 700 और हाइट थोड़ा सा बढ़ा के मैंने कर दिया 400, इस दो प्रॉपर्टी के वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया। अभी आप वापस से यहाँ आओ, देखो आपका जो ये जो प्लेयर है ना, यहाँ पे जो इम्बेड किया आपने आई फ्रेम से, वो प्लेयर थोड़ा सा हाइट में भी बढ़ गया और विड्थ में भी बढ़ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर टैग आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोग भी अपने अपने वेब पेज पे आसानी से YouTube के किसी भी वीडियो को इम्बेड कर सकते हैं और उसको अपने वेब पेज पे प्ले कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आप लोगों का जो भी ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।